हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फॉर द रियल वैल्यू एक्स एंड वाई, डज द इंटीग्रल एक्स टू वाई 6 - t - t² dt अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास फ्रेंड्स इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पहले हमें इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास एक्स टू वाई और ये 6 - t - t² dt इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 6t - t² / 2 - t³/3 और ये हो गया एक्स टू वाई। ये हो गया तो अब हमारे पास यहां से फ्रेंड्स हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या पहले हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम लेने पे आ जाएगा हमारे पास 6 LCM 1/6 बाहर आ जाएगा। अब या LCM ले या हम कहेंगे 6 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात होगी। तो ये हो गया 1/6 बाहर आ गया 36t - 3t² - 2t³(x²y). अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/6 ये हो जाएगा हमारे पास 36y - x - 3, ये हो गया हमारे पास y - x² - 2y³ - x³, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से इनको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो वो निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, अगर देखें तो ∇f/∇x निकालना चाहें तो ∇f/∇x हम डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते थे फ्रेंड्स। यहां से हम डिफरेंशिएट करके, जो हमारे पास एक मेथड होता था कि जो फंक्शन है उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना होता था, ये हमारे पास हो गया। तो वो मैंने एक वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता देता हूं मैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है बेसिकली, अगर इंटीग्रेशन एक्स टू वाई fs dx, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से करते हैं, हम f(t)(dy/dt) - f(t)(dx/dt), जहां पे y और x जो है वो t के फंक्शन होते हैं। तो इस कंडीशन से भी हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे। अब यहां पे आके हम डिफरेंशिएट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, सॉरी पहले हम ∇f/∇x देख रहे हैं, ∇f/∇x। अब ∇f/∇x देख रहे हैं तो इसमें और इसमें क्या अंतर होता है फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास d/dt कर रहे थे, यानी एक्स और वाई दोनों फंक्शन थे। यहां पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो हम वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कराते हैं, तब हो जाता हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। यहां से देखें तो ∇f/∇x इसको कर रहे हैं तो ये -36 + क्योंकि माइनस और माइनस इसकी वजह से ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो -2x आएगा, पर इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 6x, और अब इसका करेंगे तो +6x²। अब 6 कॉमन ले लेंगे हम यहां से, 6 कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x² + x - 6 = 0। इसको लिख सकते हैं x + 3 - x - 2 = 0, तो x = -3 and 2, ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब सिमिलरली हम जब y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास y के लिए करेंगे तो ∇f/∇y = ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, इसको करेंगे तो 36 - 6y - 6y²। अब हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा क्योंकि ∇f/∇y दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से y की वैल्यू सिमिलरली इस तरह से करेंगे तो वो भी -3 and 2 आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट्स जहां पे ∇f/∇x and ∇f/∇y जीरो हो रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट आ गए
इसको मिटा सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो आ गए हमारे पास, अगर देखो तो माइनस थ्री एंड माइनस थ्री टू, टू माइनस थ्री एंड टू टू, जो कि हमारे पास ऑप्शन में चार पॉइंट दिए हुए थे, ये चार पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब फिर अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां से निकालते हैं यहां से, क्योंकि सेम ही है ये फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, इसका करेंगे 2x और इसका प्लस 1 और माइनस का 0 हो जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से निकालते हैं यहां से निकालेंगे तो वो भी टर्म इसी तरह से आएगी, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, माइनस का साइन बाहर आएगा और 2y प्लस 1, क्योंकि बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस का अंतर है, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम इसी तरह की क्वेश्चन बन जाती है बाई क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू, rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू, तो rt माइनस s स्क्वायर पहले हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन जीरो चेक करते हैं, rt माइनस s स्क्वायर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो हमारे पास चाहिए, rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, तो अगर देखते हैं यहां से rt और s स्क्वायर चाहिए हमें, जो एस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो अगर यहां से देखेंगे तो ये फंक्शन ओनली एक्स का है तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमें बेसिकली हमारे पास आरटी है, बस आरटी जो है आरटी बराबर क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास आरटी सॉरी आरटी टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस वन एंड साथ में माइनस का साइन आएगी उस साइन की वजह से टू वाई प्लस वन, ये हमारे पास आर टी है। इसकी जरूरत पड़ी फ्रेंड्स, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं। अब देखते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर कितनों नंबर कितने नंबर पे ग्रेटर देन जीरो मिलता है, टू एक्स प्लस वन माइनस का साइन बाहर टू वाई प्लस वन, ये कितने नंबर पे जीरो मिलता है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स थे इसके वो हमारे पास जो ऑप्शन में दिए थे वही थे, जो थे हमारे पास माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री टू 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 एंड टू माइनस थ्री, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। हाँ तो ये हो गए हमारे पास। अब यहां से अगर हम देखें तो माइनस थ्री अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी इस पॉइंट पे, यानी एट माइनस थ्री क्योंकि ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मतलब नेगेटिव आएगी फ्रेंड्स लेस देन जीरो, तो यहां पे हमारे पास ना तो मैक्सिमम एडजस्ट करेगा ना मिनिमम एडजस्ट करेगा, ये हो गए हमारे पास। अब माइनस थ्री एंड टू पे देखते हैं तो माइनस थ्री पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव तो ये ग्रेटर देन जीरो, इसी तरह से टू एंड टू पे देखते हैं तो वहां पे भी लेस देन जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो जीरो, और टू माइनस थ्री पे देखते हैं तो ये हमारे पास लेस देन जीरो आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये था हमारे पास। अब हम देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, बेसिकली इस पे वैल्यू देखते हैं। अब इस पे अगर वैल्यू देखते हैं इन दो पॉइंट्स की देखनी होती है हमें, इसकी और जहां पे ग्रेटर देन जीरो था यानी इसकी, पर यहां पे देखने से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहां पे भी फंक्शन जीरो है और यहां पे भी वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और जीरो होगा क्योंकि ये रूट से ही बने थे, तो ये हमारे पास यहां पे चेक करने से यहां से हम ये नहीं निकाल सकते कि हम मैक्सिमम है मिनिमम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फंक्शन लेते हैं और फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स वाई जो बना था वो था हमारे पास वन अपॉन सिक्स थर्टी सिक्स वाई माइनस एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ये वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास जब इसमें इसमें
जब हम -3 और 2 पुट करते हैं।